अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मींस सेम, ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम हो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज नोन एज, इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तीन चार प्रॉपर्टीज हम डिस्कस हम करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें किसी चार्ज को मूव करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमें इस में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कोई वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखो मान लो कि ये कोई दो पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, कोई भी दो पॉइंट ले लो कहीं भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ये आपने ए पॉइंट ले लिया, ये आपने बी पॉइंट ले लिया। अब मैं स्मॉल क्या चार्ज को ए से बी मूव करवाऊंगा, तो अगर मैं इस स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी मूव करवाता हूँ तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। अगर इस रिलेशन से देखें वर्क डन रिक्वायर टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, कितना काम करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो चार्ज को, वो मारा आ जाएगा वर्क डन। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट पे तो क्या होता है, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, अगर ये पोटेंशियल बराबर है तो ये मारा हो जाएगा डिफरेंस जीरो और वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, हेंस इट्स प्रूव। अब इस तरीके से छोटी सी कैलकुलेशन से इसको प्रूव भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने में हमें वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो हम उसको इस कैलकुलेशन से उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सिर्फ परपेंडिकुलर ही होगा, बाकी किसी भी एंगल पे वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको भी हम प्रूव करेंगे। ये हमने रिलेशन देखा है, ये रिलेशन आपका है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इस रिलेशन से देखो अगर हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो डीवी आपका किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। डीवी मींस चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो पोटेंशियल चेंज होता ही नहीं, सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस डीवी इक्वल टू जीरो। तो अगर डीवी आपका जीरो है तो ये जो आपकी राइट साइड है इसको मैं जीरो के बराबर प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये आपका है डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो ये आपका जीरो के बराबर है। तो अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा यहां पे है। तो अगर आपका ये पूरी टर्म आपकी जीरो के बराबर है तो ये आपका पॉसिबल है, या तो आपका dr जीरो होना चाहिए या आपका cos थीटा जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पे है, हमें वो प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमें जीरो मानना ही नहीं है इसको, तो dr जीरो हो नहीं सकता। dr का मतलब है कोई भी दो पॉइंट ले लिया आपने उन दोनों के बीच स्मॉल डिस्प्ले, मतलब कोई दो पास पास अपन पॉइंट ले रहे हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि अपने अलग अलग दो पॉइंट ले रखे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो नहीं है, तो ये दोनों टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती। इट मींस आपका cos थीटा जो है वो जीरो के बराबर है, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, और cos थीटा जीरो कब होगा आपका, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। अब ये थीटा 90 डिग्री, इट मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये डी आर क्या था आपका, ये डिस्प्लेसमेंट थी आपकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट थी किसी भी दो पॉइंट के बीच की, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। देखो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
कि मान लो ये तो आपका बोर्ड है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है। तो ये प्लेन सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, कहीं भी दो पॉइंट आप ले सकते हो। मान लो मैं ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, ये dr हो गया। अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है। ये दो पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये दो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो पूरे सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। अब ये रिलेशन आपका कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड dr के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ऐसे डायरेक्शन मेरे को बताओ जो इन सभी के परपेंडिकुलर पॉसिबल हो। तो एक ही डायरेक्शन है इस सरफेस की परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर है आउटवर्ड और इनवर्ड, तो वो हमेशा dr के परपेंडिकुलर होगा। आप dr कहीं भी ले सकते हो, आपका dr होगा तो बॉडी के प्लेन में ही, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा dr के डिस्प्लेसमेंट के। इट मींस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हमेशा